हेलो गाइस, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको सीएस एग्जीक्यूटिव के सेकंड ग्रुप का जो सब्जेक्ट है आपका कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, इसमें आपको किस पब्लिकेशन की बुक को प्रेफर करना चाहिए। और ये मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे बताऊंगी। सबका वैसे अपना खुद का अलग अलग होता है पढ़ने का कि आपको कौन सी पसंद आ रही है, लेकिन मैं जितना मुझे लगता है और मैंने मेरी तरह और भी बहुत से लोग हैं, टीचर भी रेफर करते हैं कि टैक्समैन और सुचिता प्रकाशन में से कौन सी ज़्यादा बेस्ट है इस सब्जेक्ट के लिए। बाकी का ओवरव्यू मैं बाद में दूंगी बाकी सब्जेक्ट्स का, फिलहाल मैं इसका बताती हूँ। तो मेरे हिसाब से, जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पे टैक्समैन का स्कैनर रखा हुआ है सी एस एग्जीक्यूटिव का, तो ये बहुत ही अच्छी बुक है कंपेयर टू सुचिता प्रकाशन। मैं किसी बुक की बुराई नहीं कर रही हूँ, हाँ वो भी अच्छी बुक है अपनी जगह पे अपने कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर, लेकिन अगर मैं कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ की बात करूँ, क्योंकि अमेंडमेंट तो आती हैं, तो टैक्समैन बहुत ही अच्छी बुक है। क्योंकि पहली चीज़, एक तो ये बहुत ही अप टू डेट बुक है, ठीक है, और दूसरा कि इसमें जो लैंग्वेज है, क्वेश्चन के जो आंसर्स दे रखे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट है। आप इसे लिखने के बाद पॉसिबल ही नहीं कि आपके अच्छे मार्क्स ना आए, इस तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, नो सो मैं आपको इसके सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कराती हूँ। मैं बताती हूँ कि आपको कौन से लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्पफुल रहेंगे। इतना तो मैंने बता दिया कि कौन सी पब्लिकेशन की बुक ज़्यादा बेस्ट रहेगी। अब मैं इसके अलावा इसके अंदर बुक के अंदर दिखाती हूँ कि जैसे कि सेकंड चैप्टर है तो उसमें स्कैनर दे रखा है, और ये बताती हूँ कि इस चैप्टर में कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो अगर आप उन्हें प्रिपेयर कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आप 60% आराम से, 70% आप आराम से कवर कर सकते हैं इस चैप्टर को, चैप्टर सेकेंड। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये सेकेंड चैप्टर है हमारा कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ का, जैसे कि नाम है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट इस चैप्टर का। और आपको अगर आप टैक्समैन खरीदते हैं तो आपको इस तरीके से पहले समरी दी होगी, विच इज़ बेस्ट। अगर आपको पढ़नी है, एक एग्जाम टाइम पे आपको ओवरव्यू लेना है, तो समरी बहुत ही हेल्पफुल होती है, हर किसी को कैरी करना चाहिए। तो यहाँ पे समरी दे रखी है और हर किसी का पॉइंट में अच्छे से समझा के रखा हुआ है, ऑलमोस्ट चैप्टर ही कवर कर दिया है। आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटिफुली पूरा समरी कवर कर रखा है। फिर उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कर रखी है ईयर वाइज, जैसे कि आपको स्कैनर में मिलता ही है कि ईयर के अकॉर्डिंग आपको कि कब, कौन से साल में, कौन से मंथ में कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फॉर्मेटिंग कर रखी है, जैसे कि पहले डिस्टिंक्शंस की कर रखी है कि किन दो चीज़ों के बीच में डिस्टिंक्शंस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आ रखे हैं, ये आप देख सकते हो। ओके, फिर उसके बाद आते हैं शॉर्ट नोट्स। तो यहाँ पे अब शॉर्ट, ये तो हो गए कि डिस्टिंक्शंस की बात हो गई, अब आ गया है शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आ रखे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड है, और जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी है, मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम में अच्छे स्कोर लाने के लिए। ये आप देख रहे हैं शॉर्ट नोट्स कितने अच्छे से करा रखे हैं। उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आपको दे रखे हैं, ये आप देख रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी फॉर्मेटिंग है इसकी। मुझे नहीं लगता इसे बाय करने के बाद किसी अच्छे स्टूडेंट को, इवन नॉर्मल स्टूडेंट को भी कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। उसके अलावा प्रैक्टिकल का अलग पोर्शन है और बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट कर रखा है, देख रहे हैं आप, और मतलब कितनी अच्छे से तरीके से, मेन होता है कि वर्ड्स किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, और बहुत अच्छे से प्रिंट आउट है। अब ये हैं कि वो क्वेश्चंस जो रिपीटेडली आस्क हैं एग्जाम में, अब देखते हैं, आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन्हें लर्न कर लेते हैं इनके आंसर्स को तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंक्शन बिटवीन लिवरेज फंड एंड हेज, तो ये डिस्टिंक्शंस का है, ठीक है, जून में आया था ये और ये 2 टाइम आ चुका है। ओके, एंड ये क्वेश्चन है एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट का, ये भी देखिए आप 3 टाइम आ चुका है। एक है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन सिक्योर्ड प्रीमियम नोट्स, ये भी 3 टाइम आ रखा है।
ऐसे आप देख रहे हैं कि कितने सारे क्वेश्चंस हैं। ये आप प्लीज़ वीडियो को पॉज करके प्लीज़ ये आप लिख लीजिएगा, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसे कवर कर लेते तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस चैप्टर की मैं सोच रही हूँ कि इस चैप्टर को मैं खुद ही कवर करवा देती हूँ इन क्वेश्चंस के थ्रू। इसके अंदर जिस तरीके से क्वेश्चंस है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं खुद एक वीडियो बनाऊंगी और उनमें ये सारे क्वेश्चंस कवर कराऊंगी। मैं खुद ही बताऊंगी कि किस तरीके से आंसर लिखना है, किस तरीके से करना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और मुझे बताएं कि आप वाकई इंटरेस्टेड हैं इसके आंसर्स को जानने में और किस तरीके से लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये बुक्स परचेज करनी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देती हूँ, आप वहाँ से जाके बिल्कुल अपडेटेड बुक खरीद सकते हैं। ओके, एंड वो बिल्कुल अपडेटेड रहेगी आपके जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम है दिसंबर 2018 के लिए, तो आप डायरेक्ट यहाँ से परचेज कर सकते हैं, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।